मैं पूरी तरह से चाहूंगी कि मानुषी के बाद मैं ग्लोबल वर्ल्ड का क्राउन लेके इंडिया आऊं, तो मैं उसके लिए तैयार करूंगी खुद को। अभी तो कंटेस्टेंट पूरे विश्व से होते हैं और वो बहुत ही रिफाइन होते हैं। जब हम भारतीय टक्कर देने में आगे आते हैं तो हमें नहीं लगता कि कुछ कसर छोड़ेंगे। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, चीज़ों को लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज, कोई संदेश? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, और मेरा ये मानना है कि अपने सपनों को पूरा करिए सब चीजों को बैलेंस करते हुए। और टाइम निकालना पड़ता है लाइफ में। हम ये सोचते हैं कि हम स्टक हैं और बस यही, लाइफ बहुत बड़ी है और उसको आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना नया आपको मिलेगा। तो लोगों को ये होता है मैंने ये अचीव कर लिया बस यही एंड, ऐसा नहीं होता है। हमें डे बाय डे अपने आप को एक्सप्लोर करके नई चीजों को सीखना चाहिए। मतलब तो कि सहज और सरल होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अपने सपने को पकड़ के रखने की बिल्कुल जरूरत होती है, जो आपने पकड़ा, इतने मतलब तमाम विषम परिस्थितियां फिर भी यहां पर पहुंची हैं आप। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने अपने फादर को देखा जब उनकी लाइफ को 6 मंथ अनाउंस किया डॉक्टर ने। कितनी भी वो सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, कितनी भी बुरी स्थिति हो, खुद को आप जितना मजबूत रखेंगे जिंदगी उतनी आसान होगी और आप आने वाले समय में बड़े चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहेंगे। तेजस्वी जी, आपके पिताजी का कोई सपना रहा होगा बहुत सवाल के, वो आपने बताया कि वो चाहते थे कि आप IAS बने। एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि उनकी बेटियों का नाम हो, तो वो चाहे जैसे भी हो अच्छी दिशा में उनकी बेटियां नहीं, कुछ अच्छी नाम दिशा में, करें। बहुत अच्छी दिशा में। तो अब मुझे लगता है कि मैंने उनके एक सपने को पूरा कर दिया है। आज मुझे शायद लगता है भारत में हर कोई जान रहा है, जितना मैंने देखा तो सामने मेरे फादर को भी जान रहा है। तो ये सारी चीजें थी और फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल रहा है। और अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं भी करता है तो भी आप अपने रास्ते निकालिए। सब चीजों को बैलेंस करते हुए मैं मैसेज देना चाहूंगी, आप सब चीजों को बैलेंस रखते हुए अपने लिए रास्ता बनाइए, अपने टैलेंट को खत्म मत होने दीजिए। टैलेंट को, बहुत अच्छी बात कि टैलेंट को खत्म, अपने लिए भी रास्ता बनाइए, बिल्कुल ये चीज आपने कही। और एक चीज और, आप किससे सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित रही हैं? कुछ भी हो जाए लेकिन वंदा मुझे इस तरह से है। कर्म क्षेत्र का गुरु मैं प्रियंका चोपड़ा को मानती वाह, हूँ। बरेली की है वो तो आपकी। वो भी यूपी से है और हाँ मैं उन्हें कर्म क्षेत्र का गुरु मानती हूँ क्योंकि उन्होंने 13 साल असफल फिल्मों के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और आज बॉलीवुड में उनका डंका बज रहा है। बिल्कुल, तो जब आप अपने लक्ष्य पे अड़िग हैं, आप किसी भी क्षेत्र से हो, वो एक ग्लैमर बर्ड हो सकता है, वो एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट हो सकता है जिसके असफल प्रयास हो, जो अपनी जर्नी में फेल हुआ हो, लेकिन